मैं अभी सोकर उठी और मुठ नहा भी लिया, 12 बजे नहा रहा है। मेरे शर्म तो नहीं आई आपको नहाते? ये बैठा है कि मैं फटाफट से भाग के आऊँ और यहाँ पे आऊँ, इस फिराक में है ये। बेटा कल रात क्यों रो रहे थे आप? हैं दोस्त से मिली क्या थी? बस हो गया अम्मी तक क्या, दो दो बार तीन बार हिला रही थी। मुँह पे ज़्यादा गर्म पानी नहीं डालना ना, मिक्स करके नहा रहा है लौंडा। गर्म पानी करके फिर ठंडा करके नहा रहा है। आ जाओ शिमड़ा, शिमड़ा आ जाओ। बाल झड़ा जैसे उठा लियो तो है ना ऊपर पड़ा ना ला रही ना बेटा, बेटा टक ले बैठ 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 बेटा नाश्ता ना करूँ, मैं 1 बज गए, नाश्ता कर लूँ पहले, फिर लंच कर लूँ। हट हट हट, मारूँ मेरा खाना गिर जाएगा। मेरा ब्रेकफास्ट पराठे, चाय, मलाई, गोभी की सब्जी। भाई उन्होंने मुझे ऊपर भेज दिया, भाई ऊपर क्यों भेज दिया उन्होंने मुझे, नीचे सफाई चल रही है ना। बेटा आप क्या देख रहे हो, आपकी काम की चीज़ नहीं। हट पीछे गिर जाएगा, भाई गंदे। चल 1:15 बज रहे हैं और मैं ब्रेकफास्ट कर लिया। इसने यहाँ पे ये गिरा दी चाय और ये है गिराई चाय जनाब ने, ये देखो अभी साफ ने अम्मी आगे झोड़े गई थी पकड़ ले, जो अम्मी यहाँ से धो के गई थी फर्श और इन जो हरकत करी है ना। कैसे चाय गिराई तूने, हाँ कैसे चाय गिराई तूने, तुम्हें चाय अच्छी लगती तेरे को, अच्छी लगती चाय तेरे को, हाँ गंदे गीला है, गीला सूख जा पहले। अभी अम्मी यहाँ पे झूठे गई तुझे पकड़ के, अभी रुक जाते जब तुझे हरकत करी है। रुको बेटा, क्या दिख गया तुझे, क्या दिख गया भैया? अपनी छत पे, वो अपनी छत पे, तेरी छत पे ना है, वो अपनी छत पे है, सामने लोग अपनी छत पे, उसे दिख रहा है। ओ ओ ओ करवा गुस्सा भी तुझे, रुक जा रुक जा, पीछे पेंगे पीछे पेंगे वो, हाँ पीछे पेंगे वो, तू चाहो नीचे मुँह पे सो जा, हाँ दिखाऊँ तुझे जनता। मैं तो जा रही हूँ, मैं तो जा रही हूँ। इधर मक्खी 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 दिख रही है, मक्खी मक्खी, आई मक्खी, आई मक्खी। तो 1 बज गया है और मैंने नाश्ता साथ में निकल लिया था और अब मैं जा रही हूँ अपनी दोस्त के यहाँ पर क्लिनजिंग कराने, हेड मसाज कराने, क्योंकि सर में दर्द था और मैंने सोचा कि थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा, तो इसलिए मैंने कहा कि खुद से नहीं हो पाता है हेड मसाज वगैरह तो उससे करा लूँगी। और मैंने सामान रख लिया है, अब जा रही हूँ उसके यहाँ पर। अरे मैंने सोचा नहा के जाऊँ या बिना नहाए ना जाऊँ, तो मैंने उसे फ़ोन किया तो वो कहती है कि बिना नहाया, क्योंकि जैसे ऑयल वॉइल लगेगा उसके बाद तो घर आके नहा लियो, सर धो लियो। मैंने कहा हाँ ये सही, मम्मी को बाहर भी लेके जाना है, जल्दी से ऊपर आती हूँ। स्कूटी से जा रही थी पर स्कूटी में पेट्रोल नहीं है, मैं रिक्शा से जाऊँगी। पहुँच गई मैं यहाँ पे अपने दोस्त के यहाँ पर और मैंने कहा था ना कि मसाज करानी, हेड मसाज वगैरह, लेकिन अभी वेटिंग है, टाइम टाइम लगेगा अभी देख नहीं रही है मैं आके बहुत देर से बैठी हूँ, स्कूटी लेके नहीं आई थी मैं, तो रिक्शा का वेट कर रही थी, उसका रिक्शे से आई। बेटा ये वेटिंग में इसकी मम्मी काम करा रहे हैं, ये वेटिंग में।
तो मुझे इसके यहाँ पहुँचते पहुँचते 2 बज गए थे, और 2 बजे से जब मैंने काम कराना शुरू करा तो मुझे बज गए थे शाम के 6। अब मैंने कहा कि अब मैं घर जाके क्या सर धोऊंगी, क्योंकि ऑयल इतना लगा हुआ है, रात का टाइम है और टाइम लगेगा। तो मैंने कहा आप यहीं मेरा हेड वॉश कर दो, तो इन्होंने मेरा यहीं हेड वॉश कर दिया, क्योंकि मुझे शाम को शादी में जाना था, तो इसलिए अब मैंने कहा सुखाने में टाइम भी लगेगा, तो इन्होंने यहीं पर ये मेरा ड्रायर से बाल सुखा रहे हैं। तो मेरी फ्रेंड के यहाँ पे जो दो लड़कियाँ थी, ये बहुत प्यारी लड़कियाँ थी और ये बहुत अच्छा काम करती हैं, और साथ में इन्होंने मुझे बहुत रिलैक्स कर दिया था, इतनी अच्छी इन्होंने मसाज करी, हेड मसाज बहुत अच्छी करी, और इन्होंने बहुत अच्छी सर्विस दी, और साथ में हम इतनी ज़्यादा बातें करते रहे, हम गप्पे मारने लगे, क्योंकि मैं जिस स्कूल से पास आउट थी ये दोनों भी उसी स्कूल में पढ़ी हैं हाल ही में, तो मतलब बातें करने लगे हम, पुरानी बातें लेटेस्ट। और साथ में फिर फरहाना ने मेरे लिए खाने के लिए टिक्की और गोलगप्पे मंगा लिए, तो भाई मेरे को तो पूरा दिन मज़ा आ गया यहाँ बैठ के, ऐसे सर्विस ले रही थी मैं सुबह से बैठ के, जैसे मेरा खुद का ही हो, वैसे तो खुद का ही मान लो, क्योंकि मेरी बहुत करीबी दोस्त है वो, और बहुत सालों से मेरी दोस्त है, और इसका जो पार्लर मतलब इसने स्टार्ट किया था, इसको हो गए 6 से 7 साल, और जब स्टार्ट किया था उससे पहले से मैं इसको जानती हूँ, तो बहुत अच्छी दोस्ती है, और कभी मुझे कोई भी काम होता है ना मैं इसी के पास जाती हूँ। अब जाके मेरा काम कंप्लीट हुआ है, अब मैं घर जाऊंगी। क्या बना रही हो? ये लड़की बहुत स्वीट है, ये बहुत प्यारी लड़की है। बता तो दो क्या कर रही हो? ये देखो क्या कर रही हूँ, वीडियो बना रही हो। अब घर जाके नहाऊंगी, अब मेरे बाल काट के जाऊँ। तो फराना के घर से आ गई हूँ मैं अपने घर पर, और अब नहाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि उसने मुझे बिना नहाए बुलाया था, नहाऊंगी और उसके बाद हमें जाना है शादी में, तो वो शादी आप देखना सेकंड ब्लॉग में, मतलब इसके बाद जो ब्लॉग आएगा, ठीक है? क्योंकि यार मैं इतना लंबा इस ब्लॉग को नहीं खींच सकती ना, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ, ठीक है? और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर करो।